नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेदादि ग्रंथों के स्वाध्याय से मनुष्य अंधविश्वासों व दुष्कर्मों से बचता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। वेद अपौरुषेय रचना है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने ही अपने अंतर्यामी रूप से चार ऋषियों अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को उनकी आत्माओं में वेदों का ज्ञान कराया और दिया था। प्राचीन काल से अवधि पर्यंत सभी ऋषि वेदों की परीक्षा कर इस तथ्य को स्वीकार करते आए हैं कि वेद वस्तुतः ईश्वर से ही प्राप्त हुआ ज्ञान है। वेद सभी प्रकार की अविद्या व अंधविश्वासों से सर्वथा रहित है। वेद की इसी महत्ता के कारण इसे प्राचीन काल से भारत में वेदों के स्वाध्याय की परंपरा रही है। कहा जाता है कि जो वेदों का स्वाध्याय नहीं करता, जो वेदों की निंदा आदि करता है, वह मनुष्य नास्तिक है। नास्तिक एक प्रकार से ईश्वर व वेद विषयक सत्य तथ्यों को ना जानने वाला व उन्हें अविद्या आदि के कारण ना मानने वाले लोग होते हैं। ऋषि दयानंद ने अपने समय में वेदों की महत्ता वेद ज्ञान की सर्वोच्चता से परिचित कराने के लिए वेदों का प्रचार करने के साथ सत्यार्थ प्रकाश एवं ऋग्वेद भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। इनका अध्ययन कर अध्येता को इस बात का निश्चय हो जाता है कि वेद वस्तुतः ईश्वर से प्राप्त ज्ञान है। वेद ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करने में ही जीवन की सफलता है। सृष्टि के आदि राजा महाराज मनु ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति में कहा है कि समस्त वेद धर्म का मूल आदि स्रोत हैं। वेदों में जिन आचरणों व कर्तव्यों का विधान है वही धर्म, और जिनका निषेध किया गया है अथवा जो वेद विरुद्ध कार्य और व्यवहार होते हैं वही अधर्म होता है। मनुष्य का एक ही धर्म होता है, वह वेद वैदिक धर्म है, जिसे आर्य धर्म भी कहते हैं। वेद से इतर मनुष्यों द्वारा चलाए गए मत, पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं, परंतु धर्म वैदिक मान्यताओं और सिद्धांतों के आचरण पालन करने को कहते हैं। सृष्टि के आरंभ से महाभारत युद्ध तक के 1.96 अरब वर्षों से अधिक समय तक पूरी सृष्टि पृथ्वी पर वैदिक धर्म ही संसार के सभी मनुष्यों का धर्म रहा है। महाभारत के बाद देश देशांतर में अज्ञान का अंधकार छा जाने से मत मतांतरों का प्रचलन और प्रचार हुआ। किसी भी मत व संप्रदाय उनकी मान्यताओं को धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। धर्म वह तभी हो सकते हैं जबकि वह पूर्णता वेद की मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुकूल हो। इसी कारण से वेदों के महान विद्वान ऋषि दयानंद ने सभी मतों को विसंपृक्त अन्न की उपमा दी है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका संबंध किसी पदार्थ के गुण, कर्म और स्वभाव से होता है। जिस पदार्थ के जो मौलिक गुण, कर्म और स्वभाव होते हैं, जो कभी बदलते और पदार्थ का साथ नहीं छोड़ते, वही उसका धर्म भी कहलाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का धर्म भी सत्य बोलना, वेदों की शिक्षाओं के साथ ईश्वर का ध्यान उपासना, अग्निहोत्र यज्ञ करने सहित माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, विद्वान अतिथियों की सेवा शुश्रूषा करना, पालतू पशुओं और पक्षियों को भोजन अन्न प्रदान करना होता है। सभी मनुष्यों को धर्म के 10 लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। 10 लक्षण हैं ध्रुति अर्थात धैर्य, क्षमा, तीसरा दमा, आस्तेय अर्थात चोरी का व्यवहार न करना, चौथा, पांचवा सोच अर्थात शारीरिक और विचारों की शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, छठा सातवा बुद्धि और विचारों की शुचिता, आठवा विद्या, नवा सत्य और अंतिम क्रोध न करना। धर्म के यह 10 लक्षण हैं। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म के यह लक्षण साक्षात रूप से विद्यमान होते हैं वही धार्मिक कहलाता है। वेद इन्हीं लक्षणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा करते हैं। जिन मनुष्यों के जीवन में धर्म के 10 लक्षण पूर्णता व अधिकांश मात्रा में नहीं है वह धार्मिक कदापि नहीं कहला सकता। जो अपने व्यवहार में सब प्राणियों पर दया के स्थान पर हिंसा का आश्रय लेते और मांसाहार आदि करते हैं वह वेदों व वैदिक साहित्य की दृष्टि में धार्मिक और सज्जन कोटि के मनुष्य नहीं होते। वेद एवं वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से मनुष्य का अज्ञान व अविद्या दूर होती है। मनुष्य ईश्वर व आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लेता है। प्रकृति व उसके विकारों, सृष्टि और सृष्टि के पदार्थों को भी जान लेता है। भोग का परिणाम दुख, रोग और त्यागपूर्ण पुरुषार्थ और तप से युक्त जीवन व्यतीत करना ही सुख, शरीर और आत्मा की उन्नति का आधार होता है। वेदों के स्वाध्याय के लिए ऋषि दयानंद व उनके अनुचर आर्य विद्वानों के ग्रंथ ही श्रेयकर व उपादेय हैं। अतीत में सायण और महीधर आदि लोगों ने वेदों के मिथ्या और भ्रष्ट अर्थ करके वेदों को अपमानित किया था। यहाँ इन लोगों की अविद्या और सत्य वेदार्थ को ना जानने के कारण हुआ था। ऋषि दयानंद ने इन भाष्यकारों की अविद्या और त्रुटियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। वेद के सत्य अर्थों के समर्थन में अनेक प्रमाण भी दिए हैं। ऋग्वेद भाष्य भूमिका का ग्रंथ का अध्ययन करने से ऋषि दयानंद की शास्त्रीय योग्यता, वेदों की महत्ता के दर्शन होते हैं। इस ग्रंथ सहित ऋषि दयानंद के ही सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य का अध्ययन करने से ईश्वर के सत्य स्वरूप सहित ईश्वर के जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने के सिद्धांत का भी ज्ञान हो जाता है। इन ग्रंथों का अध्ययन करने वालों की ईश्वर के अस्तित्व विषयक सभी शंकाओं का समाधान और भ्रांति निवारण भी हो जाता है। स्वाध्याय करने वाला मनुष्य सच्चा आस्तिक ईश्वर भक्त बन जाता है। इन ग्रंथों व सत्य साहित्य के अध्ययन करने से मध्यकाल
वह बाद के समय में उत्पन्न प्रचलित हुए सभी मत मतांतरों के अविद्यायुक्त अंधविश्वासों से युक्त होने का ज्ञान भी हो जाता है। इससे पाठकों को यह लाभ होता है कि वह मत मतांतरों के फैलाए भ्रमजाल में फंसने से बच जाते हैं। स्वाध्याय का मुख्य लाभ अविद्या की निवृत्ति सहित आत्मा में सत्य ज्ञान का प्रकाश होना ही होता है, जो केवल वेद और वेदानुकूल ग्रंथों के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। स्वाध्याय का एक लाभ यह भी होता है कि इससे ईश्वर से मेल व संगति हो जाती है। हम जब ईश्वर विषय का अध्ययन करते हैं तो हमें ईश्वर संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान हमारी अविद्या, अंधविश्वासों, कुसंस्कारों, निंदित आचरणों को सुधारता है। इससे हमारे आचरण का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे ईश्वर की उपासना में प्रवृत्ति उत्पन्न होकर हम उपासना के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा ही सृष्टि के आदि से वर्तमान समय तक होता आ रहा है। हमारे जितने भी ऋषि, योगी आदि विद्वान बनते थे, वह सब वेद व वैदिक साहित्यों, ग्रंथों के स्वाध्याय तदनुकूल तप और पुरुषार्थ से ही बनते थे। स्वाध्याय से हम सत्य विचारों, सत्य ज्ञान, सदाचरण, ईश्वर उपासना, शरीर व आत्मा की उन्नति, मोक्षकामी बनते हैं। अतः स्वाध्याय और उपासना को मनुष्य को विशेष महत्व देना चाहिए। स्वाध्याय करने से हम अंधविश्वासों से बचते हैं। हमारी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति में भी वेदों का स्वाध्याय लाभदायक होता है। स्वाध्याय अमृत प्राप्ति व मोक्ष में सहायक है। स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान तो मिलता ही है, हमारा यश भी बढ़ता है। यश ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। कहा गया है कि जिसका यश और कीर्ति होती है वह मर कर भी जीवित रहता है। अपने यश और कीर्ति के कारण ही हम राम, कृष्ण, दयानंद, सिद्धानंद, वीर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल आदि जो आज भी याद करते हैं उनको, इसका कारण है उनके सुकर्म। वह सुकर्म उन्होंने स्वाध्याय और सत्पुरुषों की संगति आदि से ही प्राप्त किए थे। अतः हमें भी स्वाध्याय सहित सत्पुरुषों की संगति, सत्कर्मों को अपना मित्र बनाना चाहिए। इससे निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इससे हमें जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे मनमोहन कुमार आर, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब टाइप करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। धन्यवाद।